हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बच्चों, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमने लास्ट वीडियो में सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सी, एक्स वाई एंड जेड वो पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द फर्म क्लोजेस इट बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। Y died on 30th June 2020. 30th June. Time factor is very important in death of partner chapter. On Y's death, goodwill of the firm was valued at ₹60,000. Y share the profit of the firm till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was ₹150,000. लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर ऑफ करंट ईयर। बच्चों, हम किस करंट ईयर की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अप्रैल से 30 जून वाले प्रॉफिट की। ये प्रॉफिट दो बेसिस पर दिया जाता है, एक टाइम बेसिस पर और एक सेल्स बेसिस पर। और टाइम बेसिस के फर्दर दो पॉइंट है, प्रीवियस ईयर और एवरेज प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रीवियस ईयर का बेस है, ठीक है। सो और विच इज 150। हमें एंट्रीज पास करनी है गुडविल के रिगार्डिंग और शेयर ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग। दो कैलकुलेशन हमें यहां करनी है। क्वेश्चन में दो पॉइंट है बच्चों, एक गुडविल के रिगार्डिंग और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले हम गुडविल का वर्किंग नोट बनाते हैं। गुडविल ऑफ दी फर्म है 60,000 एट द टाइम ऑफ वाइज है। हमारी फर्म की गुडविल है 60,000। As we know, कि इस गुडविल में Y का भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हम Y को उसके हिस्से की गुडविल देंगे। Y share of goodwill 60,000 into 2/6, yes, this is 20,000, and that will be compensated by X and Z in their gaining ratio. X और Z उसे कॉम्पनसेट करेंगे किस रेशियो में? अपने गेनिंग रेशियो में, which is 3:1. स्टूडेंट, इसमें पार्टनर्स का रेशियो है 3:2:1 और वाई की जाने के बाद जो एक्स और जेड का डिफॉल्ट रेशियो है वो है 3:1। यही उनका नया और यही उनका गिविंग। तो ये 20,000 वाई को एक्स और जेड कॉम्पनसेट करेंगे 3:1 में। अब हम बात करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो डिसीज पार्टनर है वाई, उसका करेंट ईयर का प्रॉफिट, करेंट ईयर का मतलब 1st April 2020 से 30th June 2020, जिसके लिए हमारे पास कोई अकाउंट्स नहीं है, उसके लिए हम एक एज्यूम एस्टिमेशन बेसिस देते हैं, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू टाइम इनटू प्रॉफिट शेयर। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है 1,50,000, टाइम इसमें फैक्टर है 3/12, अप्रैल मई जून 3/12, और प्रॉफिट शेयर इसमें हमारा है वाई का 2/6। तो Y का जो प्रॉफिट में शेयर आया है दैट इज 12,500। ओके, इस क्वेश्चन में हमें वो जो अभी हमने वर्किंग नोट बनाया उसके रिगार्डिंग आपको एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी गुडविल को लेकर होगी, जो कि है हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। क्वेश्चन में एक्स और जेड दोनों ही गेनर है 3:1 के, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। Y is the deceased partner. अभी हमने गुडविल पे Y का शेयर कैलकुलेट किया था 20,000. This 20,000 will distribute between X and Z in their gaining ratio, which is 3:1. तो ये आ जाएगा 15,500, ठीक है? Then goodwill adjusted. उसके बाद हम बात करते हैं उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट की, जो प्रीवियस ईयर के बेस पर है। अभी हमने उसका भी अमाउंट वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था, जो 12,500 आया। 12,500. इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। बच्चों, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो कहां शो किया जाएगा? असेट साइड। और 31st मार्च 2020 बन गए, जब अकाउंट क्लोज होंगे तो ये पीएनएल एप्लीकेशन से क्लोज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वन मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिगार्डिंग गुडविल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट।
कंबाइंड, है ना, दोनों को साथ लेकर हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और बच्चों इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। एक्स वाई एंड जेड पर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1 द फर्म क्लोजेस इट बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर ऑन 1st February 2019। स्टूडेंट यहां पर जिस पार्टनर की डेथ हुई है वाई की, वो ये 1st February 2019, अगर हम लास्ट ईयर देखें 31st मार्च 2018 से लेकर वो 10 मंथ लाइन रहा, ठीक है, और 1 फरवरी में उसकी डेथ हो जाती है। तो आपका टाइम फैक्टर जहां भी लगेगा वो 10/12 लगेगा। And it was decided that new profit sharing ratio between X and Z will be equal. This is again one new change in this question. एक और चेंज आ गया। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका रेशियो फर्दर हो गया इक्वल। जैसे हमें न्यू रेशियो की बात पता चलती है हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यहां पर हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और पीएनएल सस्पेंस के अकाउंट को क्लोज भी करना होगा। ये दोनों बातें हमें तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए इस बात से। फिर पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर कि हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर। तो उसे जो पिछले 4 सालों में जो भी प्रॉफिट मिला है उसका जो हाफ अमाउंट है वो उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे और इस तरह के पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सेकंड, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए फिर टाइम बेसिस ही है पर इस बार एवरेज प्रॉफिट है। लास्ट हमने किया था जिसमें प्रीवियस ईयर प्रॉफिट था, इसमें एवरेज प्रॉफिट है। बट ध्यान से पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स, तो सिर्फ 2 ईयर्स की बात कर रहा है इन 2 साल की। अब बच्चे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये वाले 2 ईयर्स ले लेते हैं स्टार्टिंग वाले, दैट इज रॉन्ग। उन्होंने बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। तो अगर हम 18-19 वाले फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं तो हमारे पास्ट 2 ईयर्स होंगे सिर्फ 16-17 और 17-18। हम इन दोनों को टोटल करके उसका एवरेज करेंगे, ओके। क्वेश्चन में गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट अगेन वही हमें चीजें डिस्कस करनी है। पहले हम इसके रिगार्डिंग वर्किंग मोड डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में वाई जो डिसीज पार्टनर है उसकी गुडविल का कैलकुलेशन के लिए उन्होंने बोला है हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर। तो हम इन्हें कैसे निकालेंगे? पहले हमने 4 सालों के प्रॉफिट को ऐड कर लिया, दिस इज 4 लाख, यस। देन वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट 4 लाख × 3/8 आ गया 1,50,000। That means पिछले 4 सालों में टोटल जो प्रॉफिट वाई को मिला है that is 150 और गुडविल बोला है जितना प्रॉफिट मिला उसका हाफ, तो वाई शेयर ऑफ गुडविल हो गया बच्चों 75,000। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट विल बी कॉम्पनसेट इन गेनिंग रेशियो। तो हमें इसके लिए गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा बच्चों, और आप देख सकते हैं यहां पर एक्स और जेड का नया रेशियो इक्वल हो जाता है तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा लाइक दिस 1/2 − 4/8 दिस इज 0। दैट मींस वाई के जाने पर एक्स को कोई गेन नहीं हो रहा है तो एक्स कॉम्पनसेट नहीं करेगा। फिर जेड का शेयर 1/2 नया ओल्ड रेशियो 1/8 3/8 तो दैट मींस वाई का जो टोटल शेयर है 3/8 व्हिच इज टेकन बाय जेड ओनली, तो जेड इज द गेनिंग पार्ट, ओनली गेनिंग पार्ट, तो वही कॉम्पनसेट करेगा, ओके। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक और वर्किंग नोट शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस बार शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बोला गया है पास्ट 2 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट। तो हमने एवरेज प्रॉफिट इनटू टाइम इनटू प्रॉफिट शेयर रखा फॉर्मूला, दिस इज द लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 2 इनटू टाइम फैक्टर, क्योंकि उसकी फरवरी को डेथ हुई है 1st February एंड टाइम फैक्टर विल बी 10/12 और उसका प्रॉफिट शेयर 3/8। टोटल आ गया 23,437.50 रुपीज। जिसको हमने अप्रॉक्स कर लिया 23,438 रुपीज, ओके। अब हम इसके रिगार्डिंग जनरल एंट्रीज पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे गुडविल के रिगार्डिंग। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ओनली जेड इज द गेनिंग पार्टनर,
केवल वही कॉम्पनसेट करेगा, तो हमारी एंट्री बनेगी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल, वाइज डिसीज पार्टनर 75,000, जो अभी हमने वर्किंग नोट बनाया था वहां से डिस्कस कर किया था। तो एंट्री हो गई जेड कैपिटल। एक्स क्यों नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि एक्स हमारा न्यूट्रल है, वाई के जाने पर एक्स को कोई गेन नहीं हो रहा, इवन नो सैक्रिफाइस नो गेन। अगर उसे सैक्रिफाइस हो रहा होता तो हमें क्रेडिट करना पड़ता एक्स को, और यहाँ पर न्यूट्रल है। आगे बढ़ते हैं पीएमएस सस्पेंस। अब उसको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वाई को करंट ईयर का, उन 10 मंथ्स का जिसको हमने एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट किया, दैट इज 23,438। उसके लिए हमने पीएमएस सस्पेंस का अकाउंट ओपन किया टू वाई कैपिटल। मैंने आपको बताया है कि अगर हमारा रेशियो चेंज हो रहा है, अगर हमारी गेनिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको इस पीएमएस सस्पेंस के अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है। इसकी वीडियो हमने मतलब इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। तो पीएनएस सस्पेंस का अकाउंट क्लोज होगा गेनिंग पार्टनर में, और इसमें गेनिंग पार्टनर कौन है, सिर्फ जेड। तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 23,438, इसका अकाउंट क्लोज हो गया। ओके स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया।